जरी थ्रेड का यूज़ करते हुए प्लेन सूट को डिज़ाइनर लुक देने का आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पेस्टिंग पेपर या फ्यूज़न पेपर लिया है। इसकी लंबाई 14.5 इंच और चौड़ाई 9 इंच ली है। लंबाई और चौड़ाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेंटर से मोड़ेंगे इसे और खुली साइड में 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस पर कट कर लेना है। कुछ इस तरह का पैटर्न कट गया है। अब यहाँ ये जो इसका सेंटर है, यहाँ क्रीज बनी हुई है, इस पे मैंने हल्का सा मार्क कर दिया। अब इसके सेंटर पे यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन के दोनों साइड हमने आधा आधा इंच के गैप पे लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए पहले मार्किंग कर लेती हूँ मैं आधा आधा इंच पे, और बाद में इस मार्किंग पे लाइंस लगा लेनी है। इसमें पूरे में मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब कुर्ती लेंगे। कुर्ती की ये उल्टी साइड है और इसके सेंटर पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस पे इस पेपर को चिपका लेना है। ये जो ग्लू वाली साइड होती है, इसको इस पे रखते हुए सेंटर मिलाते हुए दोनों का, कुर्ती का और इस पैटर्न का, फिर इसे प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। और ये जो लाइन्स मैंने ड्रॉ की थी, ये मैंने ग्लू वाली साइड पर नहीं की थी, दूसरी साइड पर की थी। अब ये जरी थ्रेड लिया है, इसे बॉबिन में भर लेना है। तो ये आप देख सकते हो, मशीन में नीचे जरी वाला थ्रेड है और ऊपर सिंपल धागा मैंने लगाया हुआ है। इन लाइंस पे हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ नीचे हमने पूरा नीचे तक सिलाई नहीं लगानी। यहाँ से लगभग एक पैर के जितना गैप छोड़ते हुए एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस लाइन तक ही हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और इन लाइन्स पे डबल डबल सिलाई लगानी है। तो ऐसे सिलाई को दो बार इस पे चला लेना है। पूरे में इसमें सिलाइयां लगा लेंगे। ये पूरे में मैंने सिलाइयां लगा ली हैं। आप देख सकते हो, इन लाइंस पे मैंने यहां तक सिल लिया है, ये जो हमने क्वार्टर इंच पे लाइन ड्रॉ की थी, और ये इसकी सीधी साइड है। तो इसका लुक आप देख सकते हो कितना प्रिटी आया है। इस पे आप अपनी चॉइस का नेक बना सकते हो। मैं इसमें राउंड नेक बना रही हूँ। ये 7 इंच डीप मैंने गला इसमें बना लिया है। इस पे लगाने के लिए ये स्टोन्स लिए हैं, इन्हें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देना है। यहाँ इसके एंड पे हमने 3-3 स्टोन लगाने हैं। यहाँ इक्वल गैप पे स्टोन्स अटैच कर लेंगे। 1.5-1.5 इंच का गैप देते हुए मैं इसमें स्टोन्स लगा लूंगी। इसमें पूरे में मैंने स्टोन्स लगा लिए हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना प्रिटी ये नेक लग रहा है। अब ऐसे ही बाजू पे डिजाइन बना लेंगे। बाजू है ये, बाजू की उल्टी साइड है ऊपर की तरफ। ये पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ बराबर करते हुए लेनी है। इन कॉर्नर से पेपर ऐसे बराबर होना चाहिए। ये जो डिज़ाइन है, ये 5 से 5.25 इंच तैयार होगा, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे मोहरी को, और ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, ये कम हो जाएगा ऊपर से भी। इसे सेंटर से मोड़ना है। खुली साइड में 3 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे इसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पे कट कर लेंगे। पैटर्न का सेंटर और बाजू का सेंटर मिलाते हुए इसे पेस्ट करेंगे। ग्लू वाली साइड इस पे रखते हुए प्रेस की हेल्प से मैंने पेस्ट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा पेपर है, इसे कट कर देंगे। इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे कुर्ती में 1/2 इंच के गैप पे लाइंस ड्रॉ की थी, उसी तरह से इस पे भी 1/2 इंच के गैप पे दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इन लाइंस पे सिलाइयां लगा लेंगे। डबल डबल सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले यहाँ 1/4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इस लाइन तक ही हमने इन पे सिलाइयां लगानी है। तो यहाँ इस लाइन से सिलाई को मोड़ लेंगे।
पूरी बाजू पे सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। इसकी सीधी साइड आप देख सकते हो। इसकी मोहरी तैयार करेंगे तो ये 2 इंच चौड़ी एक सीधी पट्टी ली है, इसे इस पे रखते हुए सिल देंगे। इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये इजीली अंदर की तरफ पलट जाए। तो ऐसे पलटते हुए ये मोहरी यहाँ से रेडी हो जाएगी। इस पे भी इसी तरह से यहाँ पे स्टोन्स अटैच करेंगे, एंड्स पे 3-3 स्टोन लगाएंगे। और इसके बाद 1.5-1.5 इंच के गैप पे आगे स्टोन्स चिपका लेंगे। तो ऐसे मैंने पूरे में स्टोन लगा लिए हैं। आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आया है। फिटिंग की सिलाई के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। प्लाजो पे भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। जरी थ्रेड का यूज़ करते वक्त जो मेन टिप है वो ये है, जो थ्रेड है वो इजीली इसमें से निकलना चाहिए। अगर थ्रेड अटक के निकल रहा हो तो इस स्क्रू को लूज कर लें, या फिर जब आप सिलाई लगाएं तो थ्रेड बार बार टूट रहा हो, जरी वाला जो थ्रेड होगा बॉबिन में डाला हुआ, तो उसका भी यही कारण होगा। आपको इसका स्क्रू लूज करना होगा जिससे कि ये थ्रेड आसानी से चले और टूटे ना। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। आप ये देख सकते हो बाजू और नेक का डिज़ाइन दोनों कितने प्रिटी लग रहे हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।